नमस्कार, मेरा नाम नीलम विश्नोई है। मैं लेक्चरर हूँ मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, गांधीनगर पॉलिटेक्निक जयपुर। आज मैं आपको टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड का लेक्चर बताने जा रही हूँ, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सारणीयन विधि। अब सारणीयन विधि पढ़ने से पहले हमको क्या कंप्यूटर में कौन कौन से कीज यूज करने होते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अब जैसे अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो सारणीयन विधि पढ़ने के लिए हमें कंप्यूटर के कीबोर्ड को जानना बहुत ज़रूरी है। सबने कीबोर्ड तो देख ही रखा है, सबके डेस्कटॉप के आगे रखा रहता है, लैपटॉप पे भी लगा रहता है। हम उसकी बात कर रहे हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड के मुख्य कार्यकारी कुछ भाग होते हैं जो हमें पता रहने चाहिए। सबसे पहले वर्णमाला कुंजियाँ, वर्णमाला कुंजियाँ, गणितीय कुंजियाँ, फंक्शन कुंजियाँ, कर्सर नियंत्रण कुंजियाँ। फिफ्थ है हमारा विशेष कुंजियाँ। विशेष कुंजियों के अंदर भी कुछ कुंजियाँ हैं जो मैंने बता रखी हैं, कैप्स लॉक कुंजी, नम लॉक कुंजी, शिफ्ट कुंजी, एंटर कुंजी, स्पेस बार कुंजी, टैब कुंजी, एस्केप कुंजी, बैक स्पेस कुंजी, डिलीट कुंजी, कंट्रोल कुंजी, पॉज कुंजी, मॉडिफायर कुंजी। आज हम वन बाय वन हम एक के बाद एक हम लेते जाएंगे। जैसे सबसे पहले मैं बता रही हूँ वर्णमाला कुंजियाँ। वर्णमाला कुंजियाँ पूरे कीबोर्ड के अंदर जो 26 वर्णमाला हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। ए से लेके जेड तक जितनी भी उसमें कीबोर्ड के ऊपर हैं वो 26 वर्णमाला कुंजियाँ अपने कीबोर्ड के अंदर अवेलेबल रहती हैं। गणितीय कुंजियाँ कैसे कहते हैं, जो 10 कुंजियाँ उसके ऊपर बनी हुई हैं जिसमें नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो हमारी गणितीय कुंजी कहलाएंगी। उसके बाद फंक्शन कुंजियों की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा गणितीय कुंजी से भी ऊपर F1 से लेके F12 तक जो कुंजियाँ हैं उनको हम फंक्शन कुंजियाँ कहते हैं। कर्सर नियंत्रण कुंजियाँ, जो मैं यहाँ पे आपको उन कुंजियों की बात कर रही हूँ जो कर्सर से आगे भी ले जाती हैं, पीछे भी ले जाती हैं, ऊपर भी हम करना चाहें, नीचे भी हम करना चाहें। अगर आपने कीबोर्ड में देखा होगा 4 एरो की बनी हुई है, उनको ही हम यहाँ पर कर्सर नियंत्रण कुंजियाँ कह रहे हैं, जिससे हम अपने वर्ड के आगे ले जा सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे या फिर पीछे की तरफ ले जा सकते हैं। कुछ विशेष कुंजियाँ होती हैं तो इसमें कैप्स लॉक कुंजियों की बात करें। कैप्स लॉक कुंजी का मतलब है जिसमें कैपिटल लेटर में सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। जब हम कैप्स लॉक को ऑन करेंगे तो कैपिटल लेटर में वी कैन यूज द वर्ड्स। फिर उसके बाद मैं बात करूँ नम लॉक कुंजी। नम लॉक कुंजी आपने देखा होगा दाएं हाथ की तरफ बनी हुई है, राइट हैंड की तरफ, जिसके अंदर हम ऑफ और ऑन करके उनको डिसेबल या एनेबल कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। शिफ्ट कुंजी, शिफ्ट कुंजी हमारे कीबोर्ड के अंदर 2 होती हैं, दोनों साइड से हम शिफ्ट कुंजी को यूज़ कर सकते हैं। शिफ्ट कुंजी का फंक्शन भी ये होता है कि हम उनको दबाकर कैपिटल लेटर भी ले सकते हैं या फिर कैपिटल नहीं है तो स्मॉल लेटर यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से शिफ्ट कुंजी का यूज़ कर सकते हैं। एंटर कुंजी, एंटर कुंजी करने के बाद हम स्पेस दे सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। स्पेस बार कुंजी, आपने कीबोर्ड में देखा होगा एक लंबी सी कुंजी बनी हुई है, वो स्पेस बार है। हमें 2 शब्दों के बीच में अगर जगह बनानी है तो उसे स्पेस दिया जा सकते हैं। उसके बाद है हमारी टैब कुंजी। टैब कुंजी जो है वो हमारी सारणीय विधि में काम आएगी, सारणी बनाने के लिए हम टैब को फिक्स कर और अकॉर्डिंगली अपनी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। एस्केप कुंजी, अब हम बात करें एस्केप कुंजी की। एस्केप कुंजी को सबसे महत्वपूर्ण कुंजी माना जाता है। इससे हम किसी भी प्रोग्राम को मिनिमाइज भी कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अपना पूरा जो वर्क कर रहे हैं उसको कंट्रोल किया जा सकते हैं। बैक स्पेस कुंजी, बैक स्पेस कुंजी का यूज़ हम किसी भी शब्द को इरेज करने के लिए कर सकते हैं, उसको हटाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। डिलीट कुंजी, डिलीट कुंजी के अंदर हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपने पैराग्राफ के अंदर किसी भी चीज़ को, हमने सेलेक्ट कर दिया और डिलीट कुंजी करके उसको डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल कुंजी, कंट्रोल कुंजी का फंक्शन हम बहुत सारी कुंजियों के साथ मिलाकर करते हैं, अंडू करना हो या कुछ चीज़ वापस लानी हो तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करें पॉज कुंजी की।
पॉज कुंजी का प्रयोग हम करते हैं किसी भी गेम पिक्चर आदि को रोकने के लिए, पॉज करने के लिए, जैसे कि हमें शब्द से ही पता चल रहा है। मॉडिफायर कुंजी किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करने के लिए, जैसे ऑल्टर कंट्रोल शिफ्ट तीनों बटन्स का यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को अगर अपन मॉडिफाई कर रहे हैं। अब मैं अभी आपको ये सारे जो हमारे बटन्स हैं कीबोर्ड के ऊपर वो किस तरीके से यूज़ होने चाहिए या कर सकते हैं वो मैंने बताया था। अब मैं आपको बता रही हूँ कि सारणीयन विधि यानी सारणीय टेबल टाइपिंग। टेबल टाइप करने के लिए मान लीजिए अपन को ये टेबल बनानी है, तो टेबल बनाने के लिए देखिए मेरे तीन कॉलम्स बने हुए हैं, एक रो बनी हुई है, रो को भी मैंने तीन कॉलम में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे जैसे सीरियल नंबर, टाइप्स, डेट, इस तरीके से मुझे कुछ लिखना है और आगे इसको एक्सटेंड करते जाना है। तो मैंने यहाँ पे जैसे बताया था जितनी भी कुंजियाँ हैं उनको यूज़ करते हुए मैं इस तरीके से टेबल को ड्रॉ कर सकती हूँ। टेबल का ऑप्शन हमारे कंप्यूटर में ऊपर लिखा हुआ आता है टेबल मेकिंग के लिए, तो उसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी रो बनानी है, कितने कॉलम्स बनाने हैं, उसको यूज़ करते हुए हम टेबल्स बना सकते हैं। और हमारी कीज़ को यूज़ करते हुए हम आगे पीछे कर सकते हैं, वर्ड को डिलीट कर सकते हैं, या फिर हमें जिस तरीके से नंबर लॉक्स यूज़ करने हैं, या फिर हमें वर्णमाला कीज़ यूज़ करनी है, जिस तरीके से जो भी की यूज़ करनी है उसका फंक्शन मैंने अभी समझाया था, उसको हमारे टेबल बनाने में हम यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, नहीं तो मैं क्लियरली भी आपको कंप्यूटर पे बैठ के और कंप्यूटर के द्वारा एक टेबल बनाना सिखाऊंगी। धन्यवाद।